नमस्ते ओम शांति। आप सब श्रोताओं का आपको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पर। सीख द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। आत्मा को पहचाने, आत्मा से ही आप परमात्मा को पहचान पाएंगे और सत्य तक जुड़ पाएंगे। तो आज के ईश्वर वरदान में 248 विद इन के ईश्वर वरदान में आगे जाने से पहले आप लोग के जो लिंक दिया गया है नीचे, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपके लिए है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट 7-8 टॉपिक्स देख सकते हैं, उनको आप चेकआउट करें और फिर अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो जरूर औरों के साथ शेयर करें। तो आज के ईश्वर वरदान में परमपिता परमात्मा कहते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं एक ही रास्ता और एक से रिश्ता, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता। अनेक रास्ते होने से बुद्धि भटकती है, लेकिन एक ही रास्ता अगर पकड़ें और एक से रिश्ता रखें तो बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भवा। विस्तार में चलेंगे। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो। निराकार कि मैं निराकार स्वरूप से परमात्मा से कनेक्ट हूँ और साकार रूप से मैं परमात्मा की सेवा में उपलब्ध हूँ और बिजी हूँ, तो जा करके रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं वही सदा फरिश्ते हैं। तो हल्का रहने के लिए अगर आप बहुत सारे रिश्ते रखेंगे दुनिया से, रिश्ता रखना मतलब ये नहीं कि आप संबंध तोड़ दें, रिश्ता रखना मतलब कि और उसे उपेक्षा रखना, वो रिश्ते सारी उपेक्षा एक परमपिता परमात्मा से, सारी इच्छाएं परमात्मा से अगर रखें तो हम हल्के बन जाएंगे, और उसे इच्छा रखेंगे तो भारी हो जाएंगे, तो फरिश्ता नहीं बन सकते। फिर बाबा कहते हैं जैसे गवर्नमेंट जो है वो रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक बंद कर दो। कौन से? जो हमने इतने सारे फैला के रखे हैं रिश्ते, इससे इच्छा रखी है, इसके लिए मैंने ये काम किया, इससे ये मेरे को वापस मिले, मैं इससे इतनी मेहनत करी, इससे मेरे को ये प्राप्ति हो, मैंने अपने जीवन में इतनी मेहनत करी, इस चीज़ में इसकी प्राप्ति हो, ये सारे क्या हैं, इनको ब्लॉक कर देना है तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हमने बहुत सारे रास्ते खोल के रखे हुए हैं, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी प्राप्ति हो जाए, वो भी प्राप्ति हो जाए, दुनिया भी प्राप्तियों के पीछे अगर हम पड़े हुए हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, तब बुद्धि का भटकना तय है, क्योंकि बुद्धि चाहती है कि यहाँ से भी प्राप्ति हो, वहाँ से भी प्राप्ति हो। परमात्मा कहते हैं मेरे से ही सारी प्राप्तियाँ रख लो तो तुम्हारी बुद्धि भटकेगी नहीं, और कोई अगर तुम्हारे कुछ वापस दे ना पाया, कहीं से प्राप्ति हो ना पाई तो आप तंग नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, अपनी शान में सदा रहोगे। किसकी शान में? परमात्मा की याद की शान में। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम ये कनेक्शन जोड़ें, और ये जोड़े कैसे, इसको आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आके सीख सकते हैं निःशुल्क, वो भी 150 देशों में। एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कि स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े से बूढ़े इंसान तक हर किसी को मिलती है, वृद्ध मनुष्य को भी। तो आप आ सकते हैं, स्त्री पुरुष दोनों वहाँ पर। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें। ओम शांति।